दिल्ली सरकार ऑटो वाले नहीं बनाया, लेकिन ऑटो वाले के साथ इतना दगाबाजी किया। ये केजरीवाल जो है ना, ये इनकी तो अपनी कर्मों से ये जेल में बंद है, ये हम लोगों को क्या फ़ायदा दे सकते हैं। ये ऑटो वालों के लिए दिल्ली सरकार ने कुछ सुविधा की है या नहीं की? भाई ये करिए ना, गैस के भी पैसे बढ़ा दिए, ये सुविधा है तो पहले 40-45 रुपये थी, अब 70-75 रुपये। सरकार ने अभी तो कुछ तो करा नहीं ऐसा कुछ। दिल्ली सरकार ने ऑटो वालों के लिए कुछ किया या नहीं किया? कुछ नहीं। बातें कर रहे थे यार, हम ऑटो वालों के लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं किया। बहुत समस्या है, मैं तो लोग बाई चांस मन जो होता है ऑटो से कबाड़ में तुड़ा के और चुप्पा इनकी मिठाई खा के बस घर पे निकल जाए। दिल्ली सरकार ने ऑटो वालों के लिए कुछ किया या नहीं किया? दिल्ली सरकार ने क्या किया? रोड देख रहे हो क्या दिल्ली सरकार ने किया? ऑटो वालों ने तो बहुत ऐड किया था केजरीवाल के लिए, किया था, लेकिन अब मौके पर देखो ना, समय पानी नहीं है, समय पे रोड नहीं, जगह जगह खड्डे पड़े, क्यों पड़े? तो बारिश में कैसे चलाते हो? बाइक पर खड़े करते थे भाई, कहाँ चलेंगे, खराब हो जाता है। हाँ, स्कूल के बच्चे जाते वो जाते नाले में, नाले खुले हुए पड़े हैं आधे से ज़्यादा, क्या नाले खुले हुए। हाँ, ये बताओ बैच बनवाने से कुछ सरकारी सुविधा मिलती है दिल्ली सरकार की तरफ से या नहीं? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं सुविधा मिली है। कोई मेडिकल नहीं, कुछ नहीं, कोई विशेष प्रकार की छूट नहीं, कोई छूट। हम तो ये कहना चाह रहे हैं गड्ढे सड्ढे बन जाओ हमारे, रोड प्लान हो जा, तो ये कहना चाह रहे हैं। इसकी वजह से हमारे रिक्शे ख़राब होते हैं, जितना कमाते हैं उसका तो महीने में हम उससे ज़्यादा लगा देते हैं। ऑटो वालों के लिए क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा ऑटो वालों के लिए। तो अब देखिए, आम आदमी के छोड़ के कोई और आ जाए हम उसका स्वागत करेंगे। हर दूसरे दिन इसमें 200-400 रुपये लगाने ही पड़ते हैं, बिल्डिंग करवानी पड़ती है गाड़ी, सड़क की वजह से परेशानी बहुत है, गड्ढे बड्ढे हैं और क्या कह मैं, ये सवारी है, बैटरी भी, ये रिक्शे, क्या कह मैं, रोड सही नहीं है। नमस्कार राजा, सत श्री अकाल, मैं दीपक कुमार, आप देख रहे हैं क्विक न्यूज़। और इस दौरान अब जब हम आपको हर विधानसभा का हाल बता रहे थे, उसी के साथ साथ आज हम ऑटो वालों से बात करेंगे कि दिल्ली के ऑटो वालों को कितनी सुविधाएँ दिल्ली सरकार के द्वारा दी गई, ये जानने के लिए हम मुस्तफाबाद विधानसभा की तरफ आए हैं और यहाँ पर सड़क पर खड़े ऑटो वालों से हमने बातचीत करना शुरू कर दिया। भाई ये देखो गड्ढे देखो, ये रहे इतने सारे खड्डे हैं। कितना कमा लेते हैं? भाई दिन में 600-700 रुपए बस। 600-700 रुपए कमाते हैं, और 500 रुपए कब लगा देते हैं आप? भाई बाई चांस ऐसा है, क्या पता झटके से गिर जावे। दिन में महीने में कितनी बार आप सर्विस करवाते हैं? मैं भाई महीने में कम से कम ये माही हो जाती है 6-7 बार। 6-7 बार, मतलब 2-3 हज़ार रुपये का खर्चा है। हाँ इतना है, इतना हो जाता है। हाँ इतना हो जाता भाई। अच्छा, आप लोगों के लिए कुछ और विशेष सुविधा है रिक्शा वालों के लिए? वैसे बस ये है क्या कि मैं अभी ये रिक्शे चलते रहे, मैं गड्ढे पड्ढे ये सही हो जाए, बस वो और क्या चाहिए जी। हम तो ये कहना चाह रहे हैं गड्ढे सड्ढे बन जाओ हमारे, रोड प्लान हो जा, हम तो ये कहना चाह रहे हैं। इसकी वजह से हमारे रिक्शे ख़राब होते हैं, जितना कमाते हैं उस तो महीने में हम उससे ज़्यादा लगा देते हैं। अच्छा, फिटनेस एक बार होती है इसकी या फिर बार बार करवा? नहीं, वो तो ख़राब होती है तो जाहिर सी बातें होगी, हमें करवानी पड़ेगी, जाहिर सी बातें हो तो। जी जी, फिटनेस के 6,000 रुपये ऑटो अथॉरिटी में इधर, मतलब हाँ बहरहाल जहाँ भी है भाई ले के चलता और क्या होता। हाँ, मतलब जो सरकार है, सरकारी जाता है ना वो। हाँ, यही बात है। अब उसके बाद वो माफ़ नहीं हुआ अभी तक आप लोगों? नहीं भाई, बिल्कुल भी माफ़ नहीं हुआ। नहीं, साल का तो 6,000 रुपये आप ये? नहीं भाई, कुछ भी माफ़ नहीं है। तो उसके वजह में आपको कोई मेडिकल सुविधा या फिर कोई लोन प्रोसेस कुछ ऐसा है? भाई 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 वही है क्या कि मैं, अगर लोन पे लोगे तो महंगा पड़ जाता बहुत ज़्यादा, अब आदमी गरीब आदमी। दिल्ली सरकार की तरफ से कोई सुविधा है? दिल्ली सरकार की क्या सुविधा? अभी तक कोई सुविधा नहीं है, हमारे रोड सही नहीं है, क्या सुविधा? अब बच्चों के स्कूल भी नहीं बने हुए, स्कूल बेचारे इतनी दूर जाते हैं पढ़ने। ई रिक्शा चलाते हो, रोड कैसे हैं? खराब है रोड, और कैसे? कितने का झटका लग जाता है? लग जाता 3,000-3,500। एक बार में एक कुछ भी नुकसान होता है तो बहुत अच्छा गड्ढे हैं मुस्तफाबाद के, तो इसके बहुत अच्छा गड्ढे हैं, बहुत अच्छे गड्ढे, बहुत बढ़िया। आप ऑटो चलाते हैं? हाँ गाड़ी चलाते हैं। कौन से वाले ऑटो?
चलाते हैं, तो बैच वैच बनाओ या नहीं? हाँ, लाइसेंस वैस सब कुछ है। अच्छा, तुम्हें कोई मेडिकल सुविधा या कुछ दिल्ली सरकार ने दी है या नहीं? नहीं, वैसे तो कोई सुविधा नहीं, वैसे तो कोई सुविधा नहीं है। मेडिकल सुविधा यहाँ कोई है ही नहीं, डिस्पेंसरी एक है 7 नंबर गली में। अरे मतलब ऑटो वालों को कोई सुविधा मिली? नहीं नहीं नहीं, ऑटो वालों को नहीं मिली, मिली मेरे भाई दी है। अच्छा, दिल्ली सरकार ने ऑटो वालों के लिए काफ़ी वादे किए थे और ऑटो वालों ने उनका काफ़ी प्रचार भी किया था, क्या क्या कुछ फ़ायदा दिया है दिल्ली सरकार? देखिए, दिल्ली सरकार ने ऑटो वाले के लिए प्रचार तो ऑटो वाले ने किया, दिल्ली सरकार ऑटो वाले ने ही बनाया, लेकिन ऑटो वाले के साथ इतना दगाबाजी किया। ये केजरीवाल जो है ना, ये इनकी तो अपने कर्मों से ये जेल में बंद है, ये हम लोगों को क्या फ़ायदा दे सकते हैं? ये बताएं, जैसे आपके पास बैच है, ठीक है, तो आपको कोई मेडिकल सुविधा? नहीं, मेडिकल वगैरह तो फिलहाल तो कोई सुविधा नहीं है। नहीं सर, कोई लोन की सुविधा? नहीं, वो अपने उसमें कोई उसमें मैं नहीं कह सकता। कोई बीमा? बीमा नहीं, बीमा ये इंश्योरेंस है जो अपनी हम हर साल भरते हैं अपना। जब वो तो पर्सनल किया होगा ना? पर्सनल नहीं, पर्सनल नहीं, गाड़ी के साथ जो आते हैं। लोन तो हमारा कागज पेपर पूरे होते हैं। वो तो गाड़ी के साथ इंश्योरेंस आ गया, एक्सीडेंट इंश्योरेंस आ गया, उसके अलावा कोई कुछ नहीं। उसके अलावा कुछ नहीं? नहीं नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं। केजरीवाल सरकार को जो आपने साथ दिया, क्या लगता है? ये तो अपने कर्मों से परेशान है, दूसरे को ये ठगने की कोशिश करा। क्या लगता है, इस बार दिल्ली सरकार में आएंगे ये लोग या नहीं? ये मुश्किल है, मुश्किल है। कौन आएगा अब? कौन आएगा आगे, जो बढ़िया काम करेगा वो आएगा। फिर भी कौन आ सकता है आम आदमी के? अब देखिए, आम आदमी के छोड़ के कोई और आ जाए, हम उसका स्वागत करेंगे। सड़कें कैसी है? सड़कें गड्ढे बहुत हैं, गड्ढे बहुत। हाँ, कितने भी आराम से चलाओ तब भी झोले लग ही रहे हैं गाड़ी में। एक बार में कितने का नुकसान? 2000 का। हर दूसरे दिन इसमें 200-400 रुपये लगाने ही पड़ते हैं, बिल्डिंग करवानी ही पड़ती है गाड़ी। सड़क की वजह से? सड़क की वजह से बहुत समस्या है। तो गाड़ी किराए पर चला रहे हैं आप या फिर कैसे? खुद ओनर इस पे किराए पे मानो या फिर जो खुद की मानो, इस पे 5-6 हज़ार रुपये एंट्री के देने पड़ते हैं रोड पे। अच्छा, एंट्री का 5-6 हज़ार रुपये देने पड़ते हैं महीने में? महीने में। तो वो एंट्री कम नहीं करवाई इन्होंने केजरीवाल सरकार ने? नहीं, एंट्री और बढ़ती जा रही है। एंट्री और बढ़ती जा रही है? हाँ, हर महीने में 200-300 रुपये बढ़ते हैं। और तब भी कहीं तब भी डर लगता है, कहीं पुलिस वाले रोक ले रहे हैं, वो भी मिठाई मांग रहे हैं, भाई मिठाई दे। बहुत समस्या है। मैं तो लोग बाई चांस मन जो होता है ऑटो जो कबाड़ में तुला के और चुप्पा इनकी मिठाई खा के बस घर पे निकल जाए। अच्छा, बैच वैच बना है नहीं बना? हाँ, बैच बन गया। हाँ जी, ये बता रहे थे बैच आसानी से नहीं बनता। कितनी बार टेस्ट दिया? नहीं, दो बार। दो बार टेस्ट? हाँ जी। कहते हैं कि 10 में से 1 को पास कर। हाँ, ऐसा है, कमीशन उमीशन दो तो बन जाता है ना, इस सब में दलाली लेते हैं। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये जो दलाली है वो कितने के लिए? अरे कमीशन क्या, उनका जैसे मर्जी है, अपने को तो बनवाना है। अगर बाई चांस जैसा उनको मन लगे, उनका मूड है। मुझे ये बताओ, बैच बनवाने से कुछ सरकारी सुविधा मिलती है दिल्ली सरकार की तरफ से या नहीं? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं सुविधा मिली है। कोई मेडिकल? नहीं, कुछ नहीं। कोई विशेष प्रकार की छूट? नहीं, कोई छूट ना मेडिकल मिलता ना कोई विशेष प्रकार के छूट। टोल में कोई छूट मिलती है? नहीं, कुछ छूट वूट कुछ नहीं। और अरे समय दलाली चाहिए, छूट वूट कुछ नहीं। छूट ऊपर से आती होगी मगर दलाल लोग सारे खा पी रहे हैं, दिल्ली में यही चल रहा है। अब महीने में आप समझो 5000 एंट्री के दे रहे हैं, प्लस पार्किंग के दे रहे हैं 1200 रुपये के पार्किंग, भाई जहाँ गाड़ी खड़ी करते हैं। और फिर कम से कम 2-3 हज़ार का रूम ले रहे हैं रहने के लिए, तो ऐसे 8-10 हज़ार तो रुपये जेल चले जाते हैं। फिर 8-10 हज़ार खाना खर्चा का मान लो, भाई फैमिली रहती है, 8-10 हज़ार खर्चे का बस यही होता है। 10-10 हज़ार महीने में गाड़ी का खर्चा मान लो, टूट फूट कितना बच जाता है? बचता ही कहाँ है, कर्जे में जा रहा हूँ हर महीने में 1000-2000 रुपये। बस बात यह है कि
इधर उधर से हर कोई महीने में कर्जा हो रहा है, चल रहा है काम, चल हाँ काम चल रहा है, बस ये है वो बचत नहीं हो पा रही, बचत नहीं हो पा रही है, बस इधर से जाए खाना चल रहा है। बहुत से ऑटो वालों से मैं मिला हूँ, कहते हैं जब से ये गाड़ियाँ फ्री हुई है महिलाओं के लिए उनके काम पे फर्क आया, आपके काम पे भी फर्क आया? नहीं काम पे फर्क नहीं आया, मगर बात ये है काम पे फर्क नहीं आया अभी, मगर दिक्कत ये है कि जैसे पहले 1000 रुपये एंट्री जा रही थी तो अब कहीं 1000 गड्डियाँ पे 2400 कर दिया गया, कहीं 700 कर दिया। आप एंट्री से ज़्यादा परेशान? अच्छा ये एंट्री होती क्या है? बात ये एंट्री क्या, जो दलाल लोग बैठे हैं उन्हें चाहिए, अगर नहीं दोगे तो वो क्या काम करेंगे, उनका चलता है इधर, वो कोई मर्डर करा हुआ बैठे एक हाथ तो वो धमकी दे रहे हैं कि भाई मैं तुझे मार दूंगा। अच्छा ये एंट्री इलीगल होती है या फिर लीगल देनी होती है? एंट्री की कोई फीस होती है या फिर कोई हफ्ता वसूली करता है? हफ्ता वसूली है। हफ्ता वसूली है? हाँ। रोड पे चलने के लिए? हाँ। तो बारिश में कैसे चलाते हो? बाइक में खड़े करते थे भाई, कहाँ चलेंगे, खराब हो जाता है। हाँ स्कूल के बच्चे जाते वो डूब जाते नाले में, नाले खुले हुए पड़े हैं ज्यादा, क्या नाले खुले हुए? हाँ। तो एक बार का नुकसान कितना का आता है? कम से कम मान लो 3-4 हज़ार का नुकसान है, अगर एक बार बारिश आ गई पूरा इंजन सीज हो जाता है, पानी चला पूरा इंजन सीज हो जाता है। हाँ पानी जाते इंजन सीज है। ऑटो वालों के लिए दिल्ली सरकार ने कुछ सुविधा की है या नहीं की? भाई ये करिए ना गैस के भी पैसे बढ़ा दिए, ये सुविधा है तो पहले 40-45 रुपये थी अब 70-75 रुपये। अच्छा देखो ये सुविधा है तो जहाँ डबल हो रहा है, पहले 45 रुपये काम चले तो अब 75 रुपये खर्च कर रहा है बेचारा, और उससे ज़्यादा क्या कहते हैं ओले वाले काम कर रहे हैं उनका बिगाड़, जहाँ इतना डिलीवरी करोगे क्या, जोर टूटे पड़े हैं उससे ज़्यादा नुकसान हो जाता, कभी सोवर टूट गया कभी गाड़ी टूट गई। और जो ऑटो वालों के लिए लाइसेंस बनता है वो बन रहा आसानी से या नहीं? कहाँ बन रहा है भाई, उसके भी धक्के खाते हुए 10 में से 2 बंदे पास कर रहे हैं। 10 में से 2 बंदों को पास करें, अथॉरिटी में जाके देख लो, तुम जाके वीडियो बना के देखो क्या कहते हैं, कहते क्या टायर दो कि इसमें फेल हो कभी उसमें फेल हो, निगेट हो तुम लाइन में हल्का भी हो जाए कि भाई बिल्कुल जब हमने इंडिकेटर दिया है अब बोला भाई एकदम नहीं चलता फेल हो तुम, इंडिकेटर दिया मैंने पता लगा थोड़ा लेट हो गया भाई तुम फेल हो गए, भाई मैं मेरी गलती थोड़ी, इंडिकेटर हल्का तो हो गया मेरी गलती। एक ऑटो कितने का आता है? कम से कम 7-8 लाख रुपये का आता है एक ऑटो। 7-8 लाख का आता है? किस्तों पर लेते हैं? हाँ 8 लाख का पड़ता है किस्तों पर। 8 लाख का? और जो बैच वाला ऑटो लेते हैं उसको कितने का मिलता है? 2.5 लाख के आसपास पड़ता है। जिसका लाइसेंस? हाँ लाइसेंस बैच, जिस बैच लाइसेंस बैच, लाइसेंस बैच जिसका। हाँ तो लाइसेंस बैच कि ज़्यादा लोगों को नहीं मिलता? नहीं। अच्छा बैच के लिए और लाइसेंस के लिए अलग अलग करना पड़ता है? लाइसेंस अलग है, बैच के लिए अलग है, बैच के लिए 4-5 साल वेट करना पड़ता है उसके बाद बैच मिलता है। 4-5 साल? हाँ। बैच के लिए क्या क्या चीज़ें मांगते हैं? बैच के लिए लाइसेंस मांगते हैं, उसका ड्राइवर अपने 4-5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। हाँ जब जाके बैच मिलता है तो बैच मिलता है। आसानी से मिलता है या नहीं मिलता भाई? उसके लिए भी दौड़ भाग करनी पड़ती है, या तो आदमी काम छोड़ लो या उसमें कर लो। कितने दिन में मिलता है? कम से पूरा महीना तो खर्च हो ही जाता है उसका, भी 1-2 महीने बाद आएगा पूरा महीना। ये रह गया ऑटो वालों को वो आसानी नहीं मिली है? बड़ी आसानी नहीं। ऑटो वालों के लिए क्या कुछ सुविधाएं करी है दिल्ली सरकार ने? अभी तो कुछ तो करा नहीं ऐसा कुछ, खंड बहुत कुछ किया है। क्या किया? कौन सी वाली सरकार के बारे में पूछ रहे हो? पहले तो आप लोग बताओ ये दिल्ली सरकार के बारे में। सरकार के बारे में भाई साहब हमें इतनी नॉलेज तो है नहीं, देखो भाई पहली बात तो ये है। और ऑटो वालों के लिए कुछ किया नहीं किया ये बताओ? नहीं ऑटो वालों को कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? नहीं। दिल्ली सरकार ने ऑटो वालों के लिए कुछ किया या नहीं किया? कुछ नहीं। कुछ नहीं तो वादे कर रहे थे यार हम ऑटो वालों के लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं किया। कुछ तो पॉलिसी लेकर आए, एक दो पॉलिसी तो लेकर आए थे पता नहीं भाई सरकार है रोड पर भाई, कुछ है ही रोड में बचा ही क्या है, रोड में कुछ नहीं है सर, खड्डे खड्डे हैं खड्डे खड्डे। कौन कौन सी विधानसभा में चलाते हो? हम तो भैया यही चलाते हैं लोनी तक, लोनी वाला भी रोड पर बेकार पड़ा, मतलब दिल्ली से लोनी जाते। हाँ अच्छा ये बताओ दिल्ली सरकार ने ऑटो वालों के लिए कुछ किया या नहीं किया? दिल्ली सरकार ने क्या किया? रोड को देख रहे हो क्या दिल्ली सरकार ने किया? ऑटो वालों ने तो बहुत ऐड किया था केजरीवाल के लिए, किया था लेकिन अब मौके पे देखो ना समय पानी नहीं है, समय रोड नहीं, जगह जगह खड्डे पड़े क्यों पड़े, ऑटो चलाते हुए दिक्कत आती है जब खड्डे में जाते हैं हमें दिक्कत आती है, सवारी को दिक्कत आती है, नुकसान होता है, बनना पड़ता है। यही रहता हूँ मुस्तफा।
खास काम तो है नहीं। गली में गड्ढे पड़े हैं आज। गली में गड्ढे? हाँ जी, टंकियों का पानी नहीं आता, बंदे परेशान हैं। गंदा पानी, सीवर का पानी आ रहा है, जनता बीमार हो रही है यहाँ पर। कौन सी गली में रहे? हम इसमें रहे 10 नंबर में। तो ये बताओ, एरिया में काम हो रहा है या नहीं हो रहा? एरिया में काम ऐसा ही हो रहा है, लगा था एक गली में लगा दिया नंबर, तो वो उसका नंबर आ रहा है 4-5 महीने में। एक गली में नंबर लगा दिया, नालियाँ बना दी बस, और गड्ढे हो के कर दिए बस, और आ रहा है वही महीने में 2 महीने में। तो कम से कम 6 महीने लगते हैं उस गली को बनाने के अंदर। अभी तुम मुस्ताबाद के अंदर चले जाओ, एक गली अगर छेड़ेंगे ना तो कम से कम 6 महीने लगेंगे उसे बनाने के लिए। तुम्हारे विधायक जी तो कहते हैं कि तुम मुझे बदनाम करते हो। नहीं, बदनाम नहीं, आप जाके देखो गलियों में गड्ढे पड़े हैं, बारिश आती है तो सारी गलियाँ भर जाती हैं उसके अंदर। अगर आधा घंटा भी बारिश हो गई ना तो कम से कम घुटने से ऊपर ऊपर पानी भर जाता है गलियों में। तो क्या लगता है इस हिसाब से केजरीवाल सरकार आएगी या नहीं आएगी? नहीं, काम तो उन्होंने पहले बढ़िया करा था लेकिन अब कुछ नहीं कर रहे वो। उम्मीद तो नहीं है। तो हमने ऑटो वालों से बात करी और उन्होंने बताया कि हमें किसी भी प्रकार की कोई मेडिकल सुविधा विशेष तौर से नहीं दी जाती, बल्कि जो रोड के हालात है उससे हमें काफ़ी नुकसान होता है। वहीं हमने उन लोगों से भी बात करी जो किराए पर ऑटो चलाते, तो उन्होंने कहा कि हमें दिन का मुश्किल से 500-600 रुपया बच पाता है। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि जो सरकार ऑटो वालों से बहुत ही प्रचार कराया था, उस सरकार ने उन लोगों के लिए क्या क्या। कैमरा पर्सन निखिल के साथ दीपक कुमार की रिपोर्ट।